पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 FIR, इसमें नूपुर नवीन जिंदल सहित कई नाम। आइए नजर डालते हैं इससे जुड़ी 10 खास बातें पर। पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए नफरत फैलाने वाले कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक FIR उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें BJP की सस्पेंड की गई प्रवक्ता नूपुर शर्मा, BJP की मीडिया इकाई के निष्कासित प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, पीस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शादाब चौहान सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। हरिद्वार अभद्र भाषा मामले में जमानत पर बाहर यति नरसिंहानंद का नाम भी इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस की ओर से जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन अवैसी का नाम भी शामिल है। भाजपा प्रवक्ताओं, एक सांसद, एक पत्रकार, सोशल मीडिया यूजर्स और धार्मिक संगठनों के सदस्यों के नाम पर 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं उनमें पत्रकार सबा नकवी, हिंदू महासभा की पदाधिकारी पूजा शकुन पांडे, राजस्थान की मौलाना मुक्ति नदीम, अब्दुल रहमान, अनिल कुमार मीणा और गुलजार अंसारी के नाम भी हैं। पुलिस का आरोप है कि अलग अलग धर्मों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई है, साथ ही गलत तरीके से माहौल खराब करने और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाले गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों FIR उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सोशल मीडिया एनालिसिस किया गया जिसकी लिस्ट बनाई गई। नूपुर के बयान से पहले और बाद में जो भी ट्वीट हुए, सोशल मीडिया पर विवादित बयान आए, उनके पड़ताल करने के बाद पुलिस ने खुद दोनों FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की ओर से जो दूसरी FIR दर्ज की गई है इसमें नवीन जिंदल ओवैसी सहित 32 नाम है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद अभी भी जारी है। कई देशों ने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल हकीकत आप तक के साथ।